इंदौर पुलिस सजग है और हर दिन आने वाली चुनौती को सक्रियता से पार भी कर जाती है। ताजा मामला स्कीम नंबर 94 के फिरदौस नगर का है। यहाँ एक धार्मिक स्थल के बाहर मीट के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, थाना प्रभारी और SP मौके पर पहुंचे और स्थिति स्पष्ट की। देखिए कि आज सुबह सुबह एक खबर चली थी जिसके अंदर आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के अंदर कुछ मंदिर के बाहर कुछ मीट के टुकड़े पड़े होने की सूचना मिली थी। तत्पश्चात चौकी मौके की गंभीरता को देखकर थाना प्रभारी ACP और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचने के पश्चात चौकी उस जगह पर इस प्रकार का विवाद पहले भी और भी समय पूर्व भी हुआ था, तो हमारे द्वारा मंदिर के आसपास हर जगह CCTV फुटेज कैमरे लगा दिए गए थे। जब हमने CCTV कैमरों को देखा तो उसके अंदर कल दिनांक को रात्रि 4:30 बजे के आसपास एक स्वान द्वारा वो मीट का जो टुकड़ा होता है वो भरकर मंदिर के पास लाया गया और वहाँ पे छोड़ के जाना प्रतीत हुआ। तो इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम से तस्दीक करने उपरांत ये पाया गया कि ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया था। जिस प्रकार का वायरल वीडियो या झूठी अफवाह सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनलों द्वारा बताई गई थी, तो इसमें एक स्वान द्वारा ये घटना कारित की गई थी, जिस संबंध में पुलिस द्वारा इसमें एक रिबटल या खंडन भी पुलिस द्वारा इस प्रकार की सभी खबरों का चलाया जा रहा है। तो मेरी सभी इंदौर के नागरिकों से अपील है कि कृपया करके झूठी खबरों का विश्वास ना करें। वैसे पूरे मामले का खुलासा CCTV कैमरे के फुटेज से हुआ और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब इस मामले में पुलिस भ्रामक जानकारी फैलाने वालों को नोटिस जारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।